चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है और अनफॉर्चुनेटली हम 20 मिनट या 25 मिनट का लेक्चर ही कर पाएंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक फ्राइडे जो है वो आपका ऑफिशियल टेस्ट डे हुआ करेगा और फ्राइडे को फिर हम क्लास कंडक्ट नहीं करवाया करेंगे, ठीक है। और टेस्ट का रूम और जो भी होगा वो आपको मौज़म जो है वो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया करेगा, बट ईच फ्राइडे जो है वो हमारा टेस्ट डे होगा। और टेस्ट का सिंपल टॉपिक क्या होगा, जितना वीक में कर लिया उसका टेस्ट डे, सिंपल इज दैट केस। मतलब थर्सडे से लेके सैटरडे से लेके थर्सडे तक जितना पढ़ लिया आपने उसका आपने क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट जो है देना पड़ेगा। सो ऑफिशियली यू कैन से डैट फ्राइडे जो हमारा है वो टेस्ट डे होगा। सैटरडे को हम थोड़ी सी लंबी क्लास कर लिया करेंगे, 15-20 मिनट एक्सटेंड कर लिया करेंगे, बट फ्राइडे हमारा क्या है, टेस्ट डे। लिख लें भूली ना, जैसे तुमने हर बात लिख के भूली हुई है ना, ये भी लिख के भूल जाना। अच्छा, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमारे तो डन हो गए। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हमारी उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल डिस्कशन ही रह गई है, वरना इसके हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर जो हैं वो शुरू करें। देखें, जब हम बात करते हैं इक्विटी की तो तीन चीज़ें जो हैं वो इक्विटी में शामिल होती हैं। एक हम लेते हैं शेयर कैपिटल, दूसरा हम लेते हैं कैपिटल रिजर्व जिसे हम नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कह रहे होते हैं, और तीसरा मेरे पास क्या आते हैं, रेवेन्यू रिजर्व आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। शेयर कैपिटल हम पढ़ के आ चुके हैं, हमारे पास दो तरह के होगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। और प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमने देखा हुआ है रिडीमेबल होते हैं और इररिडीमेबल, और जो रिडीमेबल होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का, और इररिडीमेबल किस में जा रहे होंगे, इक्विटी में आ रहे होंगे। फिर जो कैपिटल रिजर्व्स हैं हमारे पास वो दो तरह के हैं, उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक शेयर प्रीमियम होगा और एक होगा हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी हमने डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत, हमने देखा था जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं, मतलब जिसमें से हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड वगैरह नहीं दे सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, वो मेरे क्या कहलाते हैं, कैपिटल रिजर्व कहला रहे होते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व कहला रहे होते हैं, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व्स, इस तरह के हमने स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएट किए होते हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है वो हमने देखनी है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो तो हम आइए 16 में करेंगे, बस यहाँ पे जो इसकी छोटी सी एक एडजस्टमेंट है वो हमने देखनी है कैसे है और किस तरह से है। देखिए, हम बात करते हैं हमेशा गेन की, हमारे पास जब भी गेन आता है दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक होता है हमारे पास रियलाइज्ड गेन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन में और अनरियलाइज्ड गेन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है और अनरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो के पास मौजूद है, अनरियलाइज्ड इमेजिनरी, फ्यूचर में आना हो, रियलाइज नहीं हुआ, क्या होता है? वो क्या है, अनरियलाइज, ऐसे ही होता है, नहीं पता क्यों? ठीक है, आप जाते हैं मार्केट में और आप कहते हैं जी आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी कॉस्ट आपको जो पड़ी है वो है 1.5 लाख और आप इसको सेल करके आते हैं 2,20,000 रुपये का, कितना मुनाफा हुआ आपको? ये क्या 70,000 का प्रॉफिट आपको मिला? आपने 70,000 का प्रॉफिट जो है ये रिसीव किया है, ये आपको कैश की फॉर्म में मिला है, ये क्या हुआ है, कैश की फॉर्म में मिला है, इसे हम क्या कहते हैं, रियलाइज्ड गेन कहते हैं। ये क्या हो गया, हमें रियलाइज्ड हो गया है, हमें वसूल हो गया है।
अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरा मोबाइल है कितने का लिया, 1.5 लाख रुपए का। आप पता करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,20,000 रुपया। आप सिंपल जाते हैं मार्केट में, कीमत पता करते हैं, वो कहते हैं 2,20,000 रुपया, और आप कहते हैं मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, क्या बेच के आए? नहीं, आपने सिंपल क्या किया है, आपने सिंपल वैल्यू मेजर की है और आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि मेरे तो एसेट की कीमत बढ़ गई है। अब जितनी कीमत बढ़ी है वो आपको मिली थोड़ी है, अब मेरे पास आज भी मोबाइल फ़ोन वही है जेब में, कीमत बेशक 2,20,000 हो गई है, कीमत में इजाफा हो गया है, बट ये इजाफा मुझे हासिल नहीं हुआ, ये गेन मुझे हासिल नहीं हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड गेन। समझ लगी? अब कहानी होती है हमेशा रियलाइज्ड गेन की और अनरियलाइज्ड गेन की। अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है, जो हमें नहीं मिला, गेन तो है लेकिन गेन कहाँ पे लिखा है, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, किताब में लिख दे कीमत बढ़ गई है, बट कीमत बढ़ने के जो समरात हैं, जो कैश इनफ्लो है, वो मुझे हासिल नहीं हुआ होता, उसे हम क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड गेन। अब ये आता है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या आता है इसमें, रीवैल्यूएशन सरप्लस। आइए 16 में जाके इसको हम तफसील में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है इसको ज़रा हम देखते हैं। बेसिकली क्या है कि आपके पास एसेट्स हैं और आप क्या कर रहे हैं, एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं, आप जाके उनकी मार्केट में कीमत जो है वो दोबारा मैयर कर रहे हैं, दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपको लग रहा है पता कि आपने एक बिल्डिंग जो है वो अपने पास रखी हुई थी ख़रीद के, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 10 मिलियन थी। आप साल के एंड पे जाते हैं और पता करते हैं कीमत क्या हो गई है, और आपको लगता है कीमत कितनी हो गई है, 15 मिलियन। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ठीक है हमारी कीमत बढ़ रही है, आप बिल्डिंग को किस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, 15 मिलियन पे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो बिल्डिंग की इजाफा आया वैल्यू का, जो कीमत में इजाफा आया है 5 मिलियन का, ये आपका क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, के जो आपकी वैल्यू में इजाफा आया है इसको आपने क्या कह दिया, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है आपका, ये रिमेंबर क्या होता है, हमेशा अनरियलाइज गेन होता है। ये 5 मिलियन हमें मिला नहीं है, ये 5 मिलियन जो है हमें रिसीव नहीं हुआ, बुक्स में हमारी क्या हो गई है, बिल्डिंग महंगी हो गई है, बट ये 5 मिलियन मुझे नहीं आया। कैसे होता है सरप्लस, आइए 16 में जाकर तफसील में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें समझनी है। क्या, देखें फॉर एग्जांपल आपका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है, क्या है, 10%। अगर बिल्डिंग आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखते, क्या बिल्डिंग आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखते, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी, 1 मिलियन। अगर आप उसको रीवैल्यूड अमाउंट पे लिख लेते हैं तो कितनी आनी है, 1.5 मिलियन। अब देखिए हम कहते हैं ये हमें गेन हासिल हुआ है, हम क्या कहते हैं, ये हमें गेन हासिल हुआ है। अब जब हम गेन की बात करते हैं तो जो शेयर होल्डर है वो क्या कहेंगे, हमें दें, हमें हिस्सा देना, बिकॉज़ प्रॉफिट किसका हक है, वो तो मांग के प्रॉफिट है। हम कहेंगे जी हमें तो गेन हुआ है, कहेंगे ठीक है हमें गेन दें। हम कहेंगे भाईजान ये गेन अनरियलाइज्ड है, ये सिर्फ किताबी गेन है, हमें पैसे नहीं मिले। कहेंगे अच्छा समझ आ जाएगी उनको, क्योंकि एक मिनट रुकें, अगर आप हमें ये गेन नहीं दे सकते, ओके आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, समझ आती है, लेकिन अगर आप कभी भी इसको रीवैल्यू ना करते, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी, 1 मिलियन, आपने रीवैल्यू कर दिया है, कितनी आ रही है, 1.5 मिलियन, वो कहेंगे कि आपने हमारी 5 लाख क्या कर दी है, डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है। अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शेयर होल्डर जस्टिफाई नहीं, एक तो आप हमें गेन नहीं दे रहे, आप कहते हैं गेन कौन सा है, अनरियलाइज्ड है, दूसरा आप हमें क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कम कर रहे हैं, ये तो क्या है हमारे साथ, नाइंसाफी है। तो आप उन्हें कहते हैं नहीं हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, देखें ये गेन हमें रियलाइज़ तो हुआ नहीं, पहली बात है, क्योंकि रियलाइज़ नहीं हुआ हम आपको दे नहीं सकते, यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आया है
डेप्रिसिएशन का हम इसे क्या कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। कैसे जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे हम हर साल क्या करेंगे ईयर एंड के ऊपर, मतलब क्या करेंगे ईयर एंड के ऊपर जितनी भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी, क्या होगी, जितनी भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी। जैसे यहाँ पे कितनी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, 5 लाख। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफी, जितनी भी रीवैल्यूएशन की वजह से इजाफी डेप्रिसिएशन आई हुई होगी हम क्या करेंगे आपको वापस दे देंगे। कैसे वापस देंगे, एंट्री पास वो कर देंगे, कौन सी, कि आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट कर देंगे 5 लाख से। अब सरप्लस डेबिट होगा मतलब सरप्लस 5 लाख से कम हुआ, और किसको इंक्रीज़ कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग को, वो 5 लाख से इंक्रीज़ कर देंगे। जब रिटेन्ड अर्निंग में उन्होंने 5 लाख रुपया डाल दिया, उसको इंक्रीज़ कर दिया, तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। तो अल्टीमेटली जो आपका वहाँ प्रॉफिट कम हुआ था वो उन्होंने क्या कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस कर दिया, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक मूवमेंट है जो हमने क्या करनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है। ये क्या करनी होती है हमने, ये एक मूवमेंट है जो हमने क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड करनी होती है। और वो क्या होती है, नॉर्मली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, किसकी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। तो रिमेंबर जो भी हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन होगा, नॉर्मली हमारा अनरियलाइज्ड गेन जो है वो क्या होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से हम क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दें, बेच दें, तब भी जितना भी सरप्लस मौजूद होगा सारा हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। ये एक एडजस्टमेंट जो है वो हमने यहाँ पे देखनी होती है, ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, सरप्लस कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारा हमारा IAS 16 का पार्ट है जो हम प्रोबेबली 2 हफ्ते बाद कर रहे होंगे, बिकॉज अभी इसके बाद हमने EPS से मूव करने। बट ये जो एंट्री लिखी हुई है ये आपने याद रखनी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, वो क्या होती है कि जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई है, जितनी इजाफी डेप्रिसिएशन आई है, हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे, और रिटेन अर्निंग को क्या करेंगे, उस अमाउंट से क्रेडिट कर रहे होंगे। इसका मतलब जो इम्पैक्ट आया था रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन में, जो हमारी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई थी, हमने वो क्या कर दी है, डिक्रीज करवा दी है, और हमने रिटेन अर्निंग क्या कर दी है, बैलेंस कर दी है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व पे हमने बात की थी कि ये वो होते हैं जो डिविडेंड में, जिसमें हम नहीं दे सकते, जिसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस। व्हाट इज़ रीवैल्यूएशन सरप्लस, जब हम अपने एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं, अपवर्ड रीवैल्यू करने की वजह से जो इजाफा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। और यह हमारा अनरियलाइज्ड गेन होता है, साफ सीधी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं हर साल इस सरप्लस को रियलाइज़ कर रहे होते हैं। और रियलाइज़ किस वे में होता है, हम देखते हैं जितनी एनुअल डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती है, हम वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उस अमाउंट से हम हर साल अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस कम करते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग क्या हो रही होती है, हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये हम इसमें एक मूवमेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रह गया था, शेयर प्रीमियम था। शेयर प्रीमियम हम बढ़ के आ चुके हुए हैं। क्या होता है, जब आप शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहे होते हैं, जो डिफरेंशियल अमाउंट आती है वो क्या कहलाता है हमारा, शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं, हमने ये भी देख लिया हुआ था, जब आपने राइट ऑफ करने होते हैं, अर्ली एक्सपेंसेस वो इसमें से होते हैं, कमीशन, डिस्काउंट ऑफ इशू इसमें से हो रहा होता है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर हम इसमें से कर रहे होते हैं, और बोनस इशू जो है वो भी हम कहाँ से कर रहे होते हैं, शेयर प्रीमियम से। ये 4 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पेपर में आपको आ सकता है कि बताएं शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, बोनस इशू इसमें से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन इसमें से हो रही होती है, ये कमीशन, डिस्काउंट, इशू कॉस्ट वगैरह सारी हम कहाँ से कर रहे होते हैं, शेयर प्रीमियम से चार्ज कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी किस में से चार्ज होते हैं, हमारे शेयर प्रीमियम में से चार्ज हो रहे होते हैं। ये 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स।
व्हाट आर रेवेन्यू रिजर्व्स, के ये वो रिजर्व्स होते हैं जिसमें से हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। अब इसमें से हम डिविडेंड देंगे, रिटेन्ड अर्निंग से क्या हो रहा होता है, डिविडेंड आ रहा होता है। मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स वो हैं जो हम बांट सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग, और इसे हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, कि हमने प्रॉफिट इकट्ठे करके रख लिए हैं, इसमें से कुछ डिवाइड कर लेते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, और कंपनी क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। इसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कह रहे होते हैं, मतलब आप प्रॉफिट जो है वो क्या करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बाकी क्या होते हैं आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने उसके लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा आप कुछ जनरल रिजर्व्स भी क्रिएट कर लेते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी क्रिएट किए होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एक्सपेंशन के लिए, नया यूनिट वगैरह बनाने के लिए, इवन डिविडेंड के लिए भी आप क्या कर लेते हैं, एक रिज़र्व वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सारे वो रिजर्व्स हैं जिसमें से हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे होते हैं। फिर रिटेन्ड अर्निंग के बारे में हमने इसका एक टी अकाउंट भी बनाया था, अगर आपको याद हो, हमने क्लियरली पढ़ लिया था कि ओपनिंग बैलेंस आएगा अगर आपके पास टी अकाउंट हो, जल्दी से अगर आप ओपन करें रिटेन्ड अर्निंग का, ओपनिंग बैलेंसेस होगा रिटेन्ड अर्निंग का, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर होगा वो हम इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन सरप्लस, जब भी हमने यहाँ पे सामने बोर्ड पे एंट्री पास की है वो क्या होगा, उस अमाउंट से सरप्लस हमारा डेबिट हो रहा होता है और रिटेन्ड अर्निंग हमारी क्या हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है, ये भी हमने देखा था। फिर आप डेबिट साइड पे देखते हैं, इसमें से अगर हमने किसी जनरल रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफ़र की हो तो वो कहाँ से होती है, रिटेन्ड अर्निंग में से हो रही होती है। उसके अलावा डिविडेंड डिक्लेयर भी कहाँ से होता है, हमारा रिटेन्ड अर्निंग में से ही हो रहा होता है। तो हमने प्रॉपर अकाउंट बना लिया था जिसमें हमने देखा था कि हम ओपनिंग बैलेंसेज, क्लोजिंग बैलेंसेज को बीच में डिफरेंस लेते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और डिविडेंड वगैरह की एंट्री जो है हम इसमें से करवा रहे होते हैं। तो इसका अकाउंट हमने क्लियरली बना लिया था। फिर जनरल रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स हैं डिविडेंड पे करने के लिए, फ्यूचर लॉसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, न्यू एसेट्स वगैरह को ख़रीदने के लिए जो आप रिजर्व्स क्रिएट करते हैं वो क्या होते हैं, आपके जनरल रिजर्व्स वगैरह कहला रहे होते हैं। अब जो हम देखा था कि हमारी इक्विटी में ये जो रिजर्व्स और प्रॉफिट वाला एरिया होता है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह कह रहे होते हैं। एक छोटी सी डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पे करनी थी, हमारे यहाँ पे डन होती है, फॉर्मेट हमने कर लिया हुआ है। अब क्योंकि फ्राइडे है, टाइम है भी नहीं, डेट हो भी गया, तो हम इसको आज यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। फ्रॉम फ्यूचर फ्राइडे इज़ ऑफिशियल टेस्ट डे, जितना पढ़ेंगे हम टेस्ट लेंगे। कल हम आपके, मैं आज इसकी स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप इसे एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। कल से हम इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स करेंगे, 3-4 दिन हम इसके पास्ट पेपर्स करेंगे विद एमसीक्यूज़, फिर हम आगे जो है मूव कर रहे होंगे। यू कैन से डैट कि अब इस चैप्टर का टेस्ट आपका अगले फ्राइडे हो रहा होगा, पूरा चैप्टर का टेस्ट होगा और वो गालिबन 50 नंबर का होगा, जिसमें एमसीक्यूज़, एक शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 15-20 मार्क्स का होगा वो शामिल होगा। सिर्फ किसका होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का होगा। ठीक है।